बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर अंद, आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बीस चैनल। बच्चों मैं जो है बड़े सारे क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खुलेगा कि नहीं खुलेगा, फिर दूसरा आ रहा है कि सर पेपर चेकिंग कब होगा, पेपर चेकिंग का रिजल्ट कब आ जाएगा, थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, बहुत सारे बच्चों के जो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का बना के आपको इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो था वो जो एग्जाम उन्होंने दिसंबर में जो हुआ था, जो ऑनलाइन जो ओबीई एग्जाम हुआ था थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का, उन बच्चों का तो जो है सब कुछ कंप्लीट हो गया था। 19 अप्रैल उनका लास्ट डेट रखा था कि भाई 19 अप्रैल 2021 लास्ट डेट रखा था कि इन सबका पेपर चेकिंग आप जो है फाइनल कर दीजिए। इवन मुझे भी नोटिस आया था, मैं भी पेपर किसी रीजन से चेक नहीं कर पा रहा था। बच्चों को पता है मेरे भी वीडियोज नहीं आ रहे रेगुलर, क्योंकि मैं जो है खुद इस तरह से ऑक्यूपाइड था उस टाइम पर किसी रीजन से। आपको पता है फैमिलीज में इस टाइम पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, पूरा इंडिया जो है प्रॉब्लम में है। तो मैं भी नहीं कर पा रहा था, तो मुझे भी नोटिस आया कि आपको पेपर हर हाल में चेक करके देना है। तो ऑनलाइन पेपर चेकिंग करते हैं ना, तो पता है क्या होता है, पेपर चेकिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। मतलब अगर आप एक पेपर को चेक करने में अगर आपको सपोज करो आपको 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा लगता है एक पेपर को चेक करने में, तो ऑनलाइन पेपर को चेक करने में ना डबल टाइम लग जाता है। तो अगर आप मान लीजिए 200 कॉपीज आपको चेक करनी है तो वो इक्वल टू 400 कॉपीज चेक करने के बराबर है, और मेरे लिए तो ज्यादा 800 हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख के पेपर चेकिंग करनी होती है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 पेपर चेकिंग करने के बाद आपको एक ब्रेक लेना पड़ता है, और इस तरीके से आप रोज अगर आप पेपर चेकिंग करते 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 कई दिन लग जाते हैं, महीने से भी ज्यादा ऊपर का समय लगता है पेपर चेकिंग करने में। अगर आप रोज 10 पेपर भी चेक करें तो भी 300 पेपर ही आप चेक कर पाते हैं, और 10 पेपर चेक करना एक बड़ा हेक्टिक काम है क्योंकि 7-8 घंटे आप बैठे रहना कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, विच इज वेरी वेरी टफ। एक बच्चा एक पेपर को 3 घंटे लिखता है तो उसको आधे घंटे में पेपर को जो है उसका जो है निचोड़ निकालना आधे घंटे में बहुत कम टाइम होता है, तो पेपर चेकिंग में काफी समय लगता है बच्चों। और सबसे जो बात है इंपॉर्टेंट वो यही, इसी वजह से पेपर चेकिंग डिले हुई। तो थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चों पेपर चेकिंग सबकी हो चुकी है। अब आज की डेट में सिनेरियो ये है, सारा रिजल्ट जो है वो जा चुका है, अपलोड हो चुका है, अब सिर्फ आप तक रिजल्ट आना बाकी है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को जो कंट्रोल करते हैं बच्चों वो है वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर जो इन्फॉर्मेशन जो अपने डिसीजन देते हैं वो देते हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर। अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में देना है या अलग से देना है। वो अब मुझे तो वो नहीं बताएंगे, इवन किसी भी टीचर को नहीं बताएंगे, उनका डिसीजन जो है बिल्कुल प्राइवेट होगा। और लेकिन जो भी डिसीजन आ जाएगा 1-2 दिन पहले आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ, इतना ही हो सकता है। अभी राइट नाउ मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यही है बच्चों कि मई में एक्सपेक्टेड है रिजल्ट, और अगर मई में रिजल्ट आपका नहीं आया ना तो समझ जाओ कि आपका रिजल्ट जो है वो आएगा फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में। अब फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए थे ना वो उनका तो सेशन ही नवंबर में शुरू हुआ था, तो उनके एग्जाम मार्च में हुए थे, उनकी पेपर चेकिंग आज की डेट में, आज डेट है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मई का भी फर्स्ट वीक है, इसमें अगर आप देखें तो अभी तक हमें पेपर क्वेश्चन पेपर्स अलॉट नहीं हुए हैं, मतलब आंसर शीट्स अभी तक हमें अलॉट नहीं हुई है। मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर पढ़ा रहा था, आंसर शीट्स अभी तक अलॉट नहीं हुई है। जब वो अलॉट होंगी उसके बाद में पेपर चेकिंग शुरू करेंगे हम लोग, महीना उसमें भी लग जाएगा। तो मान के चलिए बच्चों कहीं ना कहीं अभी फर्स्ट सेमेस्टर का तो कुछ भी काम अभी शुरू खास हुआ भी नहीं है, ठीक है। और तो इसीलिए अभी पता नहीं वो सिचुएशन कहां तक जाती है, कितने आगे तक जाती है। तो अगर ऐसा हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड में, आप उम्मीद रखना बच्चों के सारे जो पेपर चेकिंग है वो होंगी, तो एक साथ ही फिर रिजल्ट सबका इकट्ठा ही आएगा, फिर उसके बाद में और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको इस चीज का जवाब मिल गया है कि पेपर चेकिंग का क्या अब तक का स्टेटस है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली खुलने की तो उम्मीद मत लगाओ अभी, क्योंकि सबको पता है कोविड सिचुएशन कैसे चल रही है, कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी प्रॉब्लम चल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। हो सकता है कि वैक्सीनेशन का जो है काम शुरू हो तो हो सकता है बच्चों को वैक्सीनेशन वहीं लगे, लगवाना चाहेंगे नहीं लगवाना चाहेंगे वो तो बच्चों की मर्जी होगी, लेकिन टीचर्स की वैक्सीनेशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चल रही थी अभी तक, 30 अप्रैल तक वो हुई वैक्सीनेशन, उसके बाद वो बंद कर दी गई। अब बच्चों के वैक्सीनेशन का भी जो है जल्दी से शायद से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर ही हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, जैसे भी होगा मैं डेफिनेटली से अपडेट आप लोगों को दूंगा ही दूंगा, ठीक है, आपको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इंस्टाग्राम की आईडी नीचे आ रही है, फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब आ रहा है देखो लिखा हुआ यहाँ पे, उसको भी फॉलो कर सकते, उसको भी क्लिक कर दो, और बेल आइकन आ रहा है, यहाँ आ रहा है बेल आइकन, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो उसको भी दबा दो ताकि आप जो है आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय।